जो एक जगह पे जहाँ पे मीट होते हैं दो बोन मिलते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट बाय इलास्टिक टिश्यूज को लिगामेंट्स ओके जो बोन्स होते हैं वो जॉइंट के जॉइंट्स के साथ एक टिश्यू के थ्रू अटैच होते हैं उसको बोलते हैं लिगामेंट्स ओके लिगामेंट्स के थ्रू जॉइंट एंड बोन्स टुगेदर हेल्ड होते हैं

जो ज्वाइंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं एक है इमूवेबल ज्वाइंस एंड मूवेबल ओके सो टू टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स ओके सो इमूवेबल ज्वाइंट दीज आर द द्वाइंट्स वेर बोन्स आर हेल्ड टूगेदर टाइटली एंड कैन नॉट मूव ओके इमूवेबल जॉइंट्स का मतलब क्या होता है ऐसे जॉइंट्स जो जिसके जो बोन्स है वो बहुत ही टाइटली हेल्ड किए गए हो और वो मूव नहीं हो सकते ऐसे जॉइंट्स जिसको मूवमेंट अलाउड नहीं है जो मूव नहीं कर सकते ऐसे जॉइंट्स को बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स नाउ अभी ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं जो मूव ही नहीं कर सकते सो मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन द स्कल आर इमूवेबल ज्वाइंट्स ओके हमने प्रीवियस लेक्चर में स्कल बहुत ही अच्छे से स्टडी किया था तो उसमें भी हमने देखा था दैट मोस्टली स्कल के जो मोस्टली जॉइंट्स हैं स्कल के वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं सिर्फ स्कल का जो लोअर जो होता है वही मूवेबल mm -hmm. होता है उसके थ्रू ही आप आ, बात कर सकते हो और फूड खा सकते हो होके सो मोस्टली सारे, स्कल के, स्कल के सारे जौन्स, जौन्स होते हैं सो so, ये हमारा हो गया इमूवेबल ज्वाइंट ना लेट सी अबाउट द मूवेबल ज्वाइंट्स अभी आप अभ देख सकते हो मूवेबल में फोर सब टाइप्स हैं जॉइंट्स की ओके okay? हमने देखा इमूवेबल सिर्फ एक ही था ठीक है इमूवेबल में कोई सब टाइप्स नहीं थी बट मूवेबल में फोर सब टाइप्स हैं तो लेट्स सी वन वन बाय सो मूवेबल जॉइंट्स दिस आर द जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स ओके ऐसे जॉइंट्स मूवेबल जॉइंट्स मतलब ऐसे जॉइंट्स जो बोन्स की मूवमेंट को अलाउ कर सकते कर सके मतलब जहां पे मूवमेंट हो वो मूवेबल जॉइंट्स जो जॉइंट्स मूवेबल ना हो वो इमूवेबल जॉइंट्स ओके सो मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ फोर टाइप्स दे आर मूवेबल के भी फोर टाइप्स हैं इमूवेबल के कोई भी टाइप्स नहीं थे बट मूवेबल के फोर टाइप्स हैं लेट्स सी वन वन बाय सो फर्स्ट इज हिंज जॉइंट दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन द नीज एल्बोस फिंगर्स एंड चो ये जो हिंज ज्वाइंट है वो कहा नी में एल्बोज में फिंगर्स एंड अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ लाइक दोर ओके ये आप अच्छे से देख लेना आप पिक्चर में भी देख सकते हो हिंज ज्वाइंट हिंग ज्वाइंट मतलब ऐसे ज्वाइंट जिनकी मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है ओके मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन लाइक बैक एंड फोर्थ आगे एंड पीछे लाइक द हिंज ऑफ डोर डोर के जो हिंजेस होते हैं इसकी वजह से ओके okay? एक ही डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सके ऐसे जॉइंट्स को बोलते हैं हिंज जॉइंट ओके मूवमेंट तो हो ही रही है ठीक है ये सारे हम जो जॉइंट्स देखेंगे उनकी मूवमेंट तो होगी ही बिकॉज दे आर मूवेबल जॉइंट्स बट सबकी अलग अलग कंडीशन है ओके okay? जो हिंज जॉइंट है उसकी ये कंडीशन है कि वो सिर्फ मूवमेंट एक वन डायरेक्शन में ही कर सकता है ओके ना सेकेंड टाइप इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर्स एंड हिप्स या आप याद रखना कि कौन से बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कौन से ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओके ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स है ये शोल्डर्स एंड हिप्स में प्रेजेंट होते हैं इट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन ये टाइप के जो ज्वाइंट होते हैं वो मैक्सिमम मूवमेंट ऑल डायरेक्शन में सभी डायरेक्शन में मूवमेंट हो ऐसे ये ज्वाइंट्स होते हैं द एंड ऑफ वन बोन इज अ राउंड लाइक अ बॉल एंड फिट इन टू अलो सॉकेट ऑफ द अदर बोन ओके बोन का जो एंड होता है वो राउंड होता है बॉल के जैसे और जो दूसरा बोन होता है वो सॉकेट हॉलो सॉकेट खाली सॉकेट की जगह होता है जैसे होता है जैसे कि वो बॉल है ना वो सॉकेट के अंदर फिट हो जाए ओके okay? जैसे कि लॉक एंड की ठीक है की कैसे एकदम फिट हो जाती है लॉक में ऐसे ही ये जो एक बोन का जो एक एंड होता है वो बॉल की जैसे होता है आपको ऐसे पूछे कि एग्जाम्पल दो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के कहा प्रेजेंट होते हैं तो शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट ओके आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसे होते थर्ड इज पाइवॉट ज्वाइंट दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन ओके ये ध्यान से देखना ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्कल और जो वर्टिब्रे के फर्स्ट टू वर्टिब्रेट है बैकबोन में वहां पर ये ज्वाइंट प्रेजेंट होता है आप पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो ये जो स्कल है और आप पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो फिगर में कि दो वर्टिब्रे तक होता है ये ज्वाइंट ठीक है द रॉड लाइक बोन फिट्स इन टू अर रिंग फॉर्म बाय अनदर बोन ये जो रॉड लाइक बोन होता है वो रिंग uh, में फिट हो जाता है अनदर बोन के थ्रू इट अलाउज द हैड टू मूव साइड वे अप एंड डाउन ये जो पाइवर ज्वाइंट की वजह से ही आप अपने हेड को अप डाउन और साइड में हिला सकते हो आपके जो फेस है वो आप ऊपर नीचे आगे पीछे साइड में पीछे तो नहीं कर सकते साइड में ऊपर नीचे कर सकते हो इसी ज्वाइंट की वजह से पाइवर ज्वाइंट की वजह से ही ये मूवमेंट आपकी पॉसिबल है आपको फिगर में भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है नाउ द लास्ट फोर्थ टाइप ऑफ joint इज ग्लाइनिंग joint ओके okay? सो so let's सी

ये जो टाइप के बोन्स होते हैं वो अलाइडली पास्ट होते हैं और उसकी वजह से वो धीरे से स्लाइड हो जाते हैं ठीक है ठीके? खिसक जाते हैं धीरे से जिसकी वजह से आप जो बैक है आपकी जो पीठ है वो आप बेंड कर सकते हो ट्विस्ट टर्न एट एनी पॉइंट आप कर सकते हो ये किस वजह से होता है क्योंकि ये जो बोन्स होते हैं ना वो स्लाइड मतलब थोड़े ऐसे स्लाइड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर इस इसकी वजह से आप ट्विस्ट एंड टर्न इजीली कर पाते हो आप पिक्चर में भी ग्लाइंडिंग ज्वाइंट अच्छे से देख सकते हो ओके सो so, आज के लिए इतना ही आज हमने क्या देखा सिर्फ एक ही टॉपिक देखा दैट इज जॉइंट्स ओके ये आप अच्छे से याद कर लेना कि जॉइंट्स के टू टाइप्स होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स इमूवेबल जॉइंट्स के फोर कोई टाइप्स नहीं है बट मूवेबल जॉइंट्स के फोर टाइप्स हैं हिंज जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाइव जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट ओके सो ये आप अच्छे से याद कर लेना Okay, so here we end our session. So, thank you all.